नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो अभी तक हम लोग कक्षा सात छठवीं सातवीं और कक्षा आठवीं की सभी बुक्स हम लोग देख चुके हैं। कक्षा नौवीं की बुक्स में हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति पृष्ठ, समकालीन भारत पृष्ठ ये दो बुक्स देख चुके हैं। ये आपकी कक्षा नौवीं की तीसरी बुक है, अर्थशास्त्र कक्षा नौवीं की। ठीक है, याद रखिए जो कक्षा छठवीं से लेकर आठवीं तक की बुक्स थी आपकी, बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई थी। और वहाँ शब्दों की परिभाषा, यानी कि कोई भी शब्द है आपका, तो उसकी जैसे पर्यावरण है आपका शब्द, तो उसकी परिभाषा शब्द समझाने के लिए एक पूरी कहानी गढ़ी जाती थी। यानी कि हमारा पर्यावरण शब्द क्लियर हो जाता था उस कहानी को पढ़कर। लेकिन जो 9 से 12वीं की बुक्स हैं आपकी, इनमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और ये भी बहुत साधारण शब्दों में लिखी गई है। अगर आप लोग अच्छे धैर्य के साथ पढ़ते हैं तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आए, बस आपको धैर्य के साथ सुनना है। याद रखिए, फिर से बता देता हूँ कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। क्या है? जरूरी है, वो बहुत ही जरूरी है। बिना एनसीईआरटी बुक्स पढ़े कुछ नहीं उखड़ने वाला है। अगर आप गलत फहमी में जी रहे हैं तो ये गलत फहमी निकाल दीजिए, ठीक है, और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो स्टेट पीसीएस लिखने में भी आपको बहुत सावधानी होगी, यानी कि आपके लिए ये उपयोगी होंगी सब जगह। तो एक किसी पर्टिकुलर श्रेणी के लिए आपकी बुक्स नहीं है कि मतलब कोई कक्षा 9वीं का बच्चा ही पढ़ सकता है। मैं तो कहता हूँ जो भारत में रहता है उन्हें इन बुक्स के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अब बताओ संविधान के बारे में बताया गया है, किस तरह राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कौन से आपके अधिकार हैं, कौन से मूल अधिकार हैं। आप इंडिया में रह रहे हैं तो कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए ना। तो इसमें हम लोग बात करते हैं आखिर अर्थशास्त्र में हमें क्या क्या देखना है। उसके बाद आपकी दो बुक्स और बचती हैं कक्षा 9वीं की, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और इनसे संबंधित आपके चैप्टर वाइज चैप्टर जितने भी लेक्चर लिए हुए हैं हमारे द्वारा, वो सभी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी विलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। पूरा आपका एनसीईआरटी का पूर्ण कवरेज कक्षा 6वीं से 12वीं तक। ठीक है, तो ये आपकी विषय सारणी जो जो पढ़ना है, विषय सामग्री। तो अध्याय एक में बात करेंगे हम लोग पालमपुर गांव की कहानी के बारे में। तो पहला चैप्टर आपका क्या होगा? पालमपुर गांव की कहानी। अध्याय दो में हम लोग बात करेंगे संसाधन के रूप में लोग परिवार करते हैं। तीसरे अध्याय में बात करेंगे निर्धनता एक चुनौती, और अध्याय चार में हम लोग बात करेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा। इस तरह हम लोग चार अध्याय देखेंगे आपके, ठीक है, इस बुक्स में आपके चार अध्याय होंगे। तो यहाँ भारत का संविधान दिया गया है, इसे भी देख लीजिए। जो आपका भारत का संविधान है, जो आपकी फर्स्ट बुक थी कक्षा 9वीं की फर्स्ट बुक्स में हम लोगों ने क्या लिखा था? लोकतांत्रिक राजनीति। पूरी आपकी इसी उद्देशिका पर के आसपास इसकी कहानी घूमती हुई है, ठीक। पूरा संविधान का निष्कर्ष कह लीजिए आपका उद्देशिका है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार और अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 को हिद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मपित करते हैं। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि जो आपका संविधान लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान इसमें
उस दिन लागू हो गई थी, लेकिन संपूर्ण रूप से आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, तो अगर कहीं क्वेश्चंस कोई पूछता है इंटरव्यू में तो बता दीजिए कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान इसके लागू हुए थे और संपूर्ण रूप से आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूरी तरह से। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने अर्थशास्त्र के क्या क्या पढ़ना है जान लिया। आगे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पहले अध्याय के बारे में, पालमपुर गांव की कहानी देखेंगे।